हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो जो है वो अमेजोन हॉल वीडियो है और इसमें जो प्रोडक्ट्स रहेंगे वो मिक्स कैटेगरी के हैं। वो मुझे कुछ रिक्वायरमेंट थी, जैसे मैंने उसके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट्स मंगाए हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे मैसेज करके बताया कि उनको मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। तो आप एक बार प्लीज़ चेक कीजिएगा कि आपने जो सब्सक्राइब का बटन क्लिक किया है उसके साथ में जो बेल आइकन है, क्या आपने वो प्रेस किया है? अगर किया है तो आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए, अदरवाइज आपको शायद नहीं मिल रहा होगा। मे बी वही एक रीज़न हो सकता है, या पीछे से कुछ एरर होगा। तो एक बार आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा तो आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आज का जो वीडियो है वो मैंने आपको बताया है कि अमेजोन हॉल वीडियो है। लास्ट मंथ में मैंने काफ़ी चीज़ें वहाँ से बाय की हैं क्योंकि मैंने रिसेंटली घर शिफ्ट किया था अपना, और उसकी वजह से मुझे नए घर के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, तो मैंने काफ़ी चीज़ें ऑर्डर की थी। पर वो सब प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ क्योंकि उसके इमीडिएट बाद मेरा ट्रैवलिंग का प्रोग्राम बन गया था और मैं अपने होम टाउन ट्रैवल कर रही थी, तो उस वजह से मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। और मैं नए घर का भी होम टूर आपको जल्दी ही दूंगी जैसे ही मैं वापस घर जाऊंगी। अभी मैं जैसे अपने होम टाउन जा रही हूँ तो वहाँ पर जो मेरा घर है वहाँ पे अभी इस टाइम कोई रहता नहीं है, पर अभी मैं ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद जा रही हूँ उस घर में, तो कुछ चीज़ों की जैसे रिक्वायरमेंट है तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ही सामान मंगाया है। तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी और जब मैं अपने घर जाऊंगी तो मैं वहां पे भी जो चीजें मुझे चाहिए होंगी वो मैं लूंगी और मैं वहीं से आपके साथ शेयर करूंगी। तो नए घर का जो होम टूर है वो मुझसे कई सब्सक्राइबर ने मांगा था कि नए घर का आप होम टूर दीजिए, तो अभी मैंने उतना सेट भी नहीं किया है क्योंकि इमीडिएट मैं ट्रैवल पे निकल पड़ी और इस वजह से मैं नहीं दिखा पाई आपको कुछ भी। अभी मैं अपनी सिस्टर के घर पे हूँ तो मैंने कुछ चीजें यहीं मंगा ली थी, बाकी के सब प्रोडक्ट्स मैं वहीं जाके मंगाऊंगी जैसे मुझे रिक्वायरमेंट लगेगी वहां पर। तो अभी जो मैंने मंगाई है चीजें वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ वो सबसे पहले जो है वो मैंने कुछ फ्लीस की बेडशीट्स मंगाई हैं दो, और यहाँ पर जैसे नॉर्थ साइड काफ़ी ठंड है, बैंगलोर में उतना ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर यहाँ आई हूँ मैं ऑलमोस्ट 5 ईयर्स के बाद तो मैंने काफ़ी विंटर शॉपिंग की है इस बार। तो मैंने बेडशीट्स ली हैं दो, फ्लीस मटेरियल है ये, मैंने अमेजोन से ही मंगाई हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक जो है वो मेरून कलर में है, ये प्लेन शीट्स हैं क्योंकि मुझे ज़्यादा महंगी नहीं चाहिए थी, प्राइस इफ़ेक्टिव हैं ये, और ये मैंने वॉश कर ली हैं और मैंने इनको यूज़ भी किया है। ये जो है ये सिंपल फ्लीस मटेरियल में है, मैं फैब्रिक आपको पास से दिखा देती हूँ, मेरून कलर में है ये और इसके साइड में इस तरह की सिंपल स्टिचिंग हो रखी है, कुछ बहुत फैंसी नहीं है इसमें, प्लेन सी है, बेसिक सी। ये फ्रंट साइड है और मैं आपको इसका बैक साइड दिखाती हूँ, ये बैक साइड है, तो ये बहुत ही बेसिक सी है, स्टिचिंग क्वालिटी भी ओके है, देखने में चाहे ये आपको बहुत सिंपल सी लगेगी, बट इसका जो मुझे अच्छा लगा है पॉइंट वो ये है कि जैसे मैंने इसको यूज़ किया था बहुत ही बेसिक पतली वाली फ्लीस है ये, पर उतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये वॉर्म है और आप अच्छे से इसको अपने विंटर्स के हिसाब से या जो भी बीच में सीज़न होता है कुछ तो उसमें एसीज में भी आप इसको डाल सकते हैं। तो ये मैंने किंग साइज बेडशीट ली है और ये मैंने दो कलर्स में ली है, एक ये मरून कलर है और एक ये नेवी ब्लू कलर। इन प्रोडक्ट्स के जो लिंक होंगे, परचेज लिंक होंगे, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेंगे और जो प्राइसेस हैं वो मैं स्क्रीन पे साथ में मेंशन कर दूंगी। तो ये आप अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप ये देख सकते हैं, प्राइस भी इसकी ठीक थी, रीजनेबल थी, तो ये मैंने ली है। फ्लीस इसकी वॉर्म है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपको मतलब डाले ना डाले का कुछ पता ना चले, बट ये वॉर्म है। नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो मैंने एक इलेक्ट्रिक कैटल ली है, ये इस तरह की पिंक कलर में है और ऊपर से ये प्लास्टिक मटेरियल है बट अंदर से ये स्टील है और ये प्रेस्टीज ब्रांड की है, विद ये हॉट प्लेट है और नीचे वायरिंग के लिए, वायर ये केबल को फोल्ड करने के लिए जगह भी बनी हुई है और ये इस तरह से आप इस पे रख देंगे और आराम से ये गर्म हो जाएगा। आप इसको इस तरह से ऑन करेंगे तो यहाँ पे एक रेड लाइट ऑन हो जाती है जो इसको सिग्नल है कि पानी गर्म होने लग गया है, और अगर आपको ये लिड ओपन करनी है तो आप इस तरह से इसको यहाँ से प्रेस कीजिए, लिड ओपन हो जाएगी।
ओवरऑल मुझे ये प्रोडक्ट काफी अच्छा लगा है. नॉर्मल स्टेनलेस स्टील की जो केटल्स होती हैं उससे कुछ डिफरेंट है ये, और ऊपर से प्लास्टिक होने की वजह से अगर गर्म होती है तो बाहर से आपको एकदम से टच करने पे गर्म फील नहीं होगी, और अंदर से तो ये कम्प्लीटली स्टेनलेस स्टील है और अंदर से ये बिल्कुल प्लेन है, जिस वजह से इसकी क्लीनिंग भी ईजी है. और ये मैंने एक लिया है, यहाँ साइड में पोर करने के लिए जगह बनी हुई है. इसकी प्राइस जो भी होगी मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, अभी मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है. और अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया था मुझे, ये 26 जान की जो सेल आई थी अमेजोन पे उस सेल के ड्यूरेशन में मैंने ये ली है और मुझे ये अच्छी लगी है. नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो है एक स्टेनलेस स्टील की ये मिल्टन की सिपर बॉटल है ये, और ये मैंने लिया है 750 ml की. आई थिंक ये कैपेसिटी की है और यहाँ पे बटन दिया हुआ है, आप इसको प्रेस कीजिए तो ये ओपन हो जाएगा यहाँ से, और आप आराम से इसमें से सिप कर सकते हैं. और अगर आपको पूरा खोलना है तो ये यहाँ से खुल जाएगी. तो ये अंदर से स्टेनलेस स्टील मटीरियल है. क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, और मिल्टन ब्रांड है, क्वालिटी तो अच्छी होनी ही थी. और इसका जो मैंने यूज़ किया है इसको, इसमें आप जिस टेम्परेचर पे पानी गर्म करके इसमें रखेंगे ये नेक्स्ट डे तक सेम रहता है, बिल्कुल भी ठंडा नहीं होता है. और मेरे पास मिल्टन ब्रांड की ही एक और वाटर बॉटल है, मैं आपको दिखाती हूँ. वो ये है, ये भी मैंने यहीं आने के बाद ली थी, और ये 1 लीटर कैपेसिटी की है. ये भी हॉट एंड कोल्ड है, और इसमें भी पानी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टेम्परेचर का रहता है नेक्स्ट डे तक, और काफ़ी इफेक्टिव है ये. और इसका सिपर नहीं है, ये नॉर्मल वाटर बॉटल है, और कैप जो है रबड़ ग्रिप दी हुई है इसमें, प्रॉपरली बंद हो जाता है ये. थर्मो स्टील है ये, और इसका जो था ये 1 लीटर की कैपेसिटी की है, पर जब इसको हम पूरा भरते हैं तो थोड़ा सा हैवी हो जाता है, क्योंकि बॉटल इट्सेल्फ थोड़ी सी है हैवी. तो मैंने ये 750 ml की मंगाई है कि थोड़ा हैंडी रहेगा, और जब मर्जी आप पानी पी सकते हैं, सिपर है इसमें, तो ये मुझे एक बेनिफिट लगा इसका. अदरवाइज अगर आपको सिपर नहीं चाहिए तो ये बॉटल भी काफ़ी अच्छी है, मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूंगी. नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक ये किट ली है, ऑर्गेनाइजर किट. तो ये मैंने अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए ली है, जैसे ट्रैवल कर रही हूँ मैं, मैंने आपको बताया, तो काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, काफ़ी सारी केबल्स हो जाती हैं. तो ये मैंने सब, ये एक ऑर्गेनाइजर मंगाया है, इसके ऊपर ये छोटी छोटी पॉकेट्स बनी हुई हैं जहाँ पे आप केबल्स इसको, सॉरी ये पॉकेट्स नहीं है, इलास्टिक्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पे आप केबल्स को आराम से टक कर सकते हैं. और ये बीच में इसके 3 पार्टीशंस के लिए ये वेलक्रो स्ट्रिप्स दी गई हैं, आप कहीं पर भी इसको स्टिक कर सकते हैं. इसकी जो किट के अंदर का मटीरियल है, जो साइड्स हैं वो लगी हुई हैं, और उसमें आप इसको, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, आप इसको कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि जितनी साइज की पार्टीशन आपको चाहिए. तो ये आपकी जैसे आपको चाहिए आप उन वैसे ही इन पार्टीशंस को यूज कर सकते हैं. मुझे ये लाइट वेट लगी है काफी, क्योंकि ट्रैवलिंग में आपके गैजेट्स इतने हो जाते हैं कि उनका अपना ही वेट होता है, और अगर किट भी हैवी हो तो प्रॉब्लम होगी. ये बिल्कुल लाइट वेट है और आप आराम से ट्रैवलिंग के टाइम इसको कैरी कर सकते हैं. जिप क्वालिटी भी इसकी अच्छी दी हुई है, ये 2 जिप्स दी हुई है, जिप क्वालिटी भी इसकी अच्छी है, तो ये मुझे अच्छी लगी है किट ओवरऑल. नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो मैंने अपने लिए लिया है एक हैंडबैग, और ये लेवी ब्रांड का है, मरून कलर में है. ये जितना कलर आपको जैसा दिख रहा है ये स्क्रीन पे, ये उससे एक टोन डार्क कलर है, और लेवी ब्रांड का है. फ्रंट साइड इसका इस तरह से है, और बैक साइड प्लेन है बिल्कुल, पीछे एक जिप दी गई है. ये पर्टिकुलरली मैंने इसी वजह से लिया है क्योंकि जो मैं बैग लेके आई थी उसके बैक जिप नहीं थी, तो मुझे लगा कि एक बैक जिप वाला मैं पर्स ले लेती हूँ ट्रैवलिंग के लिए. आराम से आप फोन वगैरह या कुछ छोटा मोटा आपने साइड में रखना है पॉकेट में तो आप रख सकते हैं. ये मैंने लिया है, अमेजोन से ही लिया है, और ये भी मैंने 26 जान की सेल थी जो उसमें लिया था, और मुझे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिला है इस पर. आई थिंक ये प्राइस तो इसकी ज़्यादा थी, जैसे प्राइस तो इसकी 46.99 लिखी हुई है, बट ये मैंने यहाँ स्टोर पे देखा था, शॉपर स्टॉप पे, वहाँ 2000 का था, और मैंने अमेजोन पे 900 समथिंग का लिया है डील पे, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी डील मिल गई है. और पर्स की क्वालिटी भी अच्छी है, मैं अंदर से आपको पॉकेट्स दिखा देती हूँ. अंदर से ये कुछ इस तरह से है,
दो साइड पॉकेट्स दी गई हैं और एक साइड पे जिप भी दी गई है और एक सेंटर जिपर भी है इसका, एक सेंटर में भी जिपर दिया गया है। तो साइज इसका मीडियम साइज है, ये बहुत बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है, ट्रैवलिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैंने ये एक हैंडबैग लिया है, मुझे जिस प्राइस पे ये मिला है उसके हिसाब से मुझे पीस भी अच्छा रिसीव हुआ है। जनरली कई बार क्या होता है कि जब आपको इतनी लेस प्राइस पे मिलता है तो वो पीसेस कुछ डैमेज होते हैं या कहीं से कुछ कलर फेड होता है, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे काफ़ी बिल्कुल नीट एंड क्लीन ये पीस रिसीव हुआ है। तो ये था मेरा एक छोटा सा हॉल वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। और आने वाली वीडियोस में भी जो भी प्रोडक्ट्स मैं लूंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और जो मेरा होम टूर है, जो मेरा नया घर जो मैंने शिफ्ट किया है उसका टूर भी मैं जल्दी ही दूंगी जैसे ही मैं घर वापस जाऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।